नमस्कार, मैं सरपंच सोमनाथ डोगरा पंचायत का मंडाल। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं भीड़ भड़ाका है इधर आज, और ये वैसे तो हम लोग हर पंचायत में जो है तकरीबन हर एक महीने में जो दो तीन कैंप जो ऐसे रखाते हैं, तो आज जो है तीन सब्जेक्ट के ऊपर हमने कैंप रखा था। एक तो प्लांटेशन था, मेगा ड्राइव जो चलाना है हमने, मतलब आज जो है प्ले ग्राउंड से स्टार्ट किया है, उसके बाद जितनी मेरे पास शमशान घाट्स हैं, उसके बाद स्कूल हैं, आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, जहाँ जहाँ भी हमें स्पेस मिलेगी वहाँ वहाँ हम पौधे भर देने हैं। तो मैंने फॉरेस्ट्री से बात की है, इसके संदर्भ में मैंने दो कॉलेजों के साथ भी कांटेक्ट किया, उनको भी कुछ ड्यूटी मिली हुई है उन्नत भारत अभियान का, और एक जो है उन्होंने दूसरा मेरी मिट्टी मेरा देश, ये दो प्रोग्राम अभी चल रहे हैं। उसके अंतर्गत जो है फर्स्ट जो है हमारा स्टेप है वो है प्लांटेशन का, तो वो आज हमने स्टार्ट किया है। इसके साथ साथ ही हमने जो है आज मेडिकल कैंप रखा था, क्योंकि जो भी लोग इधर आएंगे स्पेशली आंगनबाड़ी वर्कर्स या उम्मीद ग्रुप के सेल्फ हेल्प ग्रुप लेडीज आई हैं, वो उनको बताया कि जो भी दवाइयाँ मिलती हैं इधर से आयुर्वेदिक दवाइयाँ अपने अपने मोहल्ले में अपने अपने जितने भी लोग आस पड़ोस हैं, हमारा ये काम रहता है कि जहाँ भी हम रहें कम से कम आस पड़ोस जो है तंदुरुस्त रहे और फाइनेंशियली भी वो ठीक ठाक रहे और सब कुछ जो है अच्छे से देश की सेवा कर सकें। तो उन्हीं को संदर्भ में रखते हुए हमने जो है ये दवाइयों का भी बंदोबस्त करवाया था, ताकि वो हर मोहल्ले में हर गाँव में हर जगह जो है मेरी पंचायत में दवाइयों का भी मतलब जैसे होता है वितरण इस तरीके से सही तरीके से हो। साथ साथ जो है हमने ये रखा था, इसका जो है एक स्वच्छ भारत मिशन का प्रोग्राम है, मेरे पास कुछ डस्टबिन आए हैं गीला कचरा सूखा कचरा फेंकने के लिए, तो वो हमने जो है ईयर मार्क किया है पूरा प्रोग्राम, कौन से वार्ड में कहाँ कहाँ लगने हैं, तो मैंने लिस्ट बनाई है, कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर भी दिए हैं, कुछ एक दो जो पंच उनका रह पाया है तो उनको भी अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आज के ये तीन पॉइंट थे हमारे, और मैं ये चाहता हूँ पूरी पंचायत या पूरे लोग मेरे साथ जितने जुड़े हुए हैं सबको जो है हेल्थी रहें और सब जो है पॉजिटिवली सोचें और देश को फर्स्ट प्रायोरिटी रख करके अपना काम करें, और उसके बाद देश दुनिया और फिर सेल्फ के बारे में सोचें तो देश अपने आप तरक्की करेगा। जय हिंद, जय भारत। महाजन, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फ्लाई मंडाल से हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योगा का किया और कुछ आयुष मेडिसिन हमने डिस्ट्रीब्यूट की। योगा ना सिर्फ हमारे शरीर को बल्कि मन को भी स्वस्थ रखता है, वो हमने लोगों को कुछ आसन वगैरह बताए हैं और योग के 8 अंग जिनको अपनाकर वो स्वस्थ रह सकते हैं, और आयुष मेडिसिन हमने लोगों को फ्री डिस्ट्रीब्यूट की है। थैंक यू, धन्यवाद। जी, मैं इरफान अली SPMR कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हूं और NSS प्रोग्राम ऑफिसर हूं। बड़ा खुशी का आज ये दिन है कि हमें पूरा कॉपरेशन जो है हमारे सरपंच जी सोमनाथ जी से मिला है। हम पहले भी दो तीन बार विज़िट कर चुके हैं और आज का दिन इन्होंने खास तौर पे रखा था कि हम प्लांटेशन ड्राइव करेंगे, तो हम कुछ बच्चों को भी लेके आए हैं। ये प्लांटेशन जो है मेरी माटी मेरा देश के तहत भी हो रहा है, और जो हम वन महोत्सव के बारे में और इसके अलावा जो उन्नत भारत है, ये सारी क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त हमारी जो सरकार है जो सेंटर में है वो चाहती है कि हम हर घर हर गांव तक पहुंचें और देश में पेड़ लगाएं पेड़ उगाएं ताकि अपना देश जो है सुरक्षित रहे। उस अभियान के तहत जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आते हैं, उन्हीं प्रोग्राम्स को लेके हम यहाँ आए हैं। DFO जम्मू का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने उनसे प्लांट्स मांगे, तकरीबन 250 के करीब उन्होंने प्लांट्स दिए हैं, और आज यहाँ प्लेग्राउंड जो है यहाँ का वहाँ हम आए हैं और बहुत अच्छी ड्राइव हुई है। सारे लोग यहाँ के जो सरपंच साहब की निगरानी में पंचेज हैं वो भी आए हैं, कुछ अलग डिपार्टमेंट्स के लोग भी आए हैं, तो इन सारे लोगों ने मिल के देश को आगे बढ़ाना है। तो मैं अपने कॉलेज की तरफ से NSS की तरफ से खास तौर के हम जितने भी हम भारतीय हैं यही दुआ करते हैं कि पेड़ लगाएं पेड़ उगाएं देश बचाएं, और ख़ास तौर से क्योंकि ये जो प्लांट्स आज लाए हैं ये डिफरेंट वैरायटीज़ के हैं, जैसा अभी मैडम जी ने भी कहा है, कोशिश यह है कि छाऊदार यानी सायादार पेड़ हों और जो माल मवेशियों के काम आए वो वाले पेड़ हों। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक पठानिया है और मैं गवर्नमेंट SPMR कॉलेज ऑफ कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज में। जैसे कि अभी हम लोग ये जो बरसात का टाइम है इस टाइम पे हम वन महोत्सव मनाते हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में हम इस गांव में आए हैं, हम मंडाल सब पंचायत में आए हैं। यहाँ पे सरपंच श्री सोमनाथ डोगरा जी के साथ मिलके हम यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग किस्म के पेड़ लाए हैं जिससे वे ज़्यादा छायादार हैं, और जैसे कुछ हैं जो जैसे सुहांजना एक पेड़ है जिसका हर एक पार्ट जो है वो एडिबल है, उसको खा सकते हैं, तो ऐसे पेड़ भी हम लोग लेके आए हैं। और एक हमने इनको बड़ा ही यूनिक पेड़ दिया है चिनार का, तो उम्मीद है कि सब जो हमारे गांववासी हैं वो भी इन सब पेड़ों की देखभाल करेंगे और भी यहाँ पर हरियाली होगी। धन्यवाद।